नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय इंद्रजाल। दोस्तों आज हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे और इस कहानी का शीर्षक है लालची साहूकार। दोस्तों एक गांव में एक साहूकार रहता था, उसका नाम धनीराम था। वह बहुत ही लालची था, उसके पास बहुत सारी जमीन भी थी और उसके खेत में बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। उन मजदूरों में से एक मजदूर था जिसका नाम सुखिया था। सुखिया बड़ा ही मेहनती था, वह सारा दिन धनीराम के खेतों में काम करता और गरीबी में भी अपने परिवार के साथ रहकर भगवान का शुक्रिया अदा करता था। उधर दूसरी ओर धनीराम का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। धनीराम का लालच इतना बढ़ गया था कि वह रात को सोते समय अपनी तिजोरी का सारा पैसा गिनकर ही सोता था। एक बार धनीराम ने सोचा कि अगर वह अपने मजदूरों को कुछ समय तक मजदूरी नहीं देगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तथा वह बहुत ही अमीर हो जाएगा। यही सोचकर उसने अपने मजदूरों को पैसे देना बंद कर दिया। धनीराम के खेत में एक मजदूर काम करता था जिसका नाम सुखिया था। सुखिया बहुत ही गरीब था, उसे जो भी मजदूरी मिलती वह उसी से अपना गुजर बसर करता था। लेकिन जब धनीराम ने उसे मजदूरी नहीं दी तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। परेशान होकर वह धनीराम के पास आया और पैसों के लिए कहने लगा, लेकिन धनीराम ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के देकर अपने घर से निकलवा दिया। बेचारा सुखिया बहुत अधिक दुखी हुआ और चुपचाप अपने घर आ गया। उधर धनीराम गरीबों का पैसा मारकर बहुत ही खुश हो रहा था। अब धनीराम के मजदूरों ने उसके खेतों पर काम करना बंद कर दिया। धनीराम ने सोचा कि फसल तो तैयार है ही, बस उसकी देखभाल ही तो करनी है, सो तो मैं कर ही लूंगा। यह सोचकर एक दिन रात को धनीराम अपने खेत की ओर जाने लगा। धनीराम की पत्नी ने कहा कि आप रात को खेतों में मत जाओ, रात को जंगली जानवरों का खतरा रहता है, ऐसा ना हो कि आपको रात को कोई जंगली जानवर खा जाए। धनीराम ने कहा कि मैं एक पेड़ के ऊपर मचान बना लूंगा जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कहकर धनीराम अपने खेत पर आ जाता है और एक पेड़ के ऊपर मचान बनाकर बैठ जाता है और अपने खेत की निगरानी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे रात बीतने लगती है। आधी रात के समय धनीराम को पेड़ के नीचे प्रकाश दिखाई देता है। जब वह नीचे झांककर देखता है तो वह बहुत अधिक हैरान हो जाता है, क्योंकि पेड़ के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपना दरबार लगाया हुआ था। उनके सामने स्वर्गपति इंद्र और धरती लोक के राजा दिग्पाल देवता खड़े होते हैं। पहले ब्रह्मा जी इंद्र से कहते हैं कि आप स्वर्ग में सब कुछ ठीक ठाक तो है, ये बताइए। इंद्र देवता कहते हैं कि स्वर्ग लोक में तो सब कुछ ठीक ठाक है प्रभु। उसके बाद ब्रह्मा जी दिग्पाल से कहते हैं कि आपकी धरती लोक पर तो सब ठीक ठाक है ना। दिग्पाल कहते हैं कि हे प्रभु, धरती पर वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक गांव में धनीराम नाम का साहूकार रहता है जो बहुत ही लालची है। उसने अपने मजदूरों को बहुत ही दुखी कर रखा है। उसके मजदूरों में सुखिया भी है जो बहुत ही दुखी है, क्योंकि धनीराम ने कई दिनों से उससे मजदूरी नहीं दी है, जिस कारण वह बहुत ही दुखी है। उसके बच्चे भी भूखे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ठीक है दिग्पाल जी, आप कल रात को सुखिया के घर पर सोने की बारिश कर देना जिससे वह बहुत ही अमीर हो जाएगा। दिग्पाल ने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। यह सारी बातें धनीराम सुन रहा था। अगले दिन धनीराम सुखिया के घर गया और सुखिया से कहने लगा कि भाई सुखिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा कर दिया है। अब मुझे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा है, इसलिए अब तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारे घर में रह लूंगा। सुखिया को तो जैसे धनीराम की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन वह अपने मालिक के आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप धनीराम के घर में आकर रहने लगा। उधर धनीराम यह सोचकर सुखिया के झोपड़े में आ गया कि आज रात को दिग्पाल उसके घर में सोने की बारिश करेंगे। जब रात हुई तो धनीराम ने छप्पर में छेद कर लिया ताकि दिग्पाल देवता को उसकी झोपड़ी में सोने की बारिश करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पूरी रात बीतने के बाद भी दिग्पाल देवता ने सोने की बारिश नहीं की। धनीराम पहले तो दुखी हुआ, फिर उसने अपने मन को समझाते हुए सोचा कि शायद आज दिग्पाल देवता को समय ना मिला हो, इसलिए ना आ पाए हो। इसी प्रकार धनीराम कई दिनों तक रोज रात को दिग्पाल देवता का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी उसकी झोपड़ी में धन की वर्षा करने नहीं आया। धनीराम बहुत ही दुखी हुआ
दूसरी ओर सुखिया धनी राम के महल में बड़ा ही सुखी था। उसने धनी राम के बड़े आलिशान घर में दूसरे गरीबों को भी रहने की जगह दे दी थी। वह धनी राम की जमीन में सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। जब कई दिन बीत गए तो धनी राम से रहा नहीं गया। एक महीने के बाद फिर से वही पूर्णिमा की रात आ गई। धनी राम यह सोचकर कि शायद आज फिर से ब्रह्मा जी आए, वो फिर से उसी मचान पर जाकर बैठ जाता है और ब्रह्मा जी का इंतजार करने लगता है। आधी रात को दोबारा से प्रकाश होता है और ब्रह्मा जी अपनी सभा लगाते हैं। ब्रह्मा जी दिग्पाल देवता से पूछते हैं कि क्या आपने सुखिया की झोपड़ी पर सोने की बारिश कर दी थी। दिग्पाल ने कहा, प्रभु मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी में गया लेकिन मुझे वहाँ सुखिया नहीं मिला, मुझे हर बार वहाँ धनी राम ही मिला। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि धनी राम को अपने पाप की सजा जरूर मिलेगी। ऊपर मचान पर बैठा धनी राम सारी बातें सुन रहा था। धनी राम से रहा नहीं गया और वह मचान से नीचे आ गया और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि ब्रह्मा जी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत अधिक लालची हो गया था। ब्रह्मा जी ने धनी राम को कहा कि धनी राम गरीबों की मदद करो, वही तुम्हारे काम आएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी वहां से गायब हो गए। अगले दिन धनी राम सुखिया के पास गया और उससे माफी मांगने लगा। फिर धनी राम ने अपना सारा पैसा गरीबों में बांट दिया और फिर वह बहुत ही अच्छा और निर्दयी इंसान बन गया। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।